डायरेक्ट वहां आंध्रा से दिल्ली जा सकता था हाँ, क्योंकि यहाँ आने तक से वहां ही मेरे को रूट अच्छा मिलता है, सीधा मिलता है हाँ। लेकिन मैंने आपका रिव्यूज देखा हाँ। आपका पुराना स्टूडेंट्स का जो रिव्यूज था सर, वो किसी के पास नहीं है ऐसा रिव्यू। ये बात तो है। एक ब्लैक पेस्टेड आईसी जो अभी निकला है, अभी जस्ट पूर फुल ब्लैक पेस्टेड आईसी है, अभी धुआं उठ रही है यहाँ। दिखाइए इनका, ये एलईडी चालू कर दीजिए। हम जेटेक्स से और यूएफआई दोनों से प्रोग्राम कर सकते हैं। कर सकते हैं यहाँ पर प्लस सीक्यू और एमसी नंबर्स क्या उसमें यूज हो रहा है, और सर जैसे कुछ ट्रिक है आपके पास? जी सर बहुत। अच्छा पहले सर मैंने सर सीपीयू भी मतलब पहले कभी काम नहीं किया था सर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सर पावर आईसी भी चेंज कर दी है। अच्छा एमएमसी भी निकाल देता हूँ। अच्छा लगा भी लेता हूँ। लगा भी लेते हैं। एक आध सेट चालू किया आईसी चेंज करने के दौरान? चालू किया, तीन सेट चालू किए। चलिए कुछ नहीं सीखा सर। अच्छा वो ऑलरेडी आप सीख के आ चुके हैं कहीं से। क्या आपने क्यों चुना अब हमको? सर मैंने सिर्फ रिव्यू देखा सर, और सर यहाँ के स्टूडेंट के रिव्यू भी देखा सर, काफी अच्छा है, काफी अच्छे हैं यहाँ के स्टूडेंट के। और जो दूसरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो पढ़ रहे हैं सब क्या सर, काफी अच्छा है, सबसे बेस्ट है, इंडिया के नंबर वन से यही है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद से मतलब ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, हम सोचे ही नहीं थे कि इतना जल्दी इतना मतलब कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे और एनर्जेटिक भी हो जाएंगे। अच्छा जैसे कि हम आप कितने कितने के घंटे की क्लास आप मिली, कब आए थे आप यहाँ पे सुबह? थे ऐसे सुबह तो हम आए थे 10:30 बजे, इधर टच करना 11 बजे हमारा क्लास चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं अपनी टाइमिंग दिखाऊँ वॉच की, तो देखिए 6 यूपी से हो ना, तो यूपी से दिल्ली क्यों नहीं गए आप, मुंबई क्यों नहीं गए, बैंगलोर क्यों नहीं गए? यूट्यूब पे बहुत दिन से वीडियो देख रहा था सर, लेकिन अदर जगह वीडियो बहुत देखा, आपका भी देखा, अलग जगह से आपका वीडियो बेस्ट लगा सर, तो मैंने तो इसलिए आए। अच्छा आप जो देखते थे यही सब जो आउटपुट आज आप खुद बैठ के बना रहे हो, तो क्या ये फेक होते हैं क्या? ये नहीं होते यहाँ पर। रिबॉलिंग करा सर, ईएमएमसी ऐसी निकाली है सर, ईएमसी ऐसी निकाली है, उसको रिबॉल कर रहे हैं यहाँ पर सर। रिबॉल कर चुके कि कर रहे हो? कर रहे हो। कर रहे हो अच्छा। सो क्या रोहित ने क्या क्या काम किया मिलन यहाँ पर बताओ? सर रिबॉलिंग करा सर, ईएमएमसी सीपीयू करा सर, रिबॉलिंग करा सर, बाद में जेटेक का, बाद में यूएफए। पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ तो अभी बताइए, अब तक 5 दिन हो चुके हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर? एक नंबर, मतलब जो सोच के आए थे वो मिला आपको यहाँ पर? उससे कई ज्यादा, मैं जो सोचा था उससे 10 गुना नहीं, 100 गुना 200 गुना बोलेंगे वो कम नहीं, कम होगा। मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, आप मुंबई के तो यार इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप तो जबलपुर आने की क्या जरूरत पड़ गई, उल्टा क्यों आ गए आप? तो लोग तो जबलपुर से भाग कर मुंबई जा रहे हैं, तो वहाँ भी सीख सकता हूँ। तो वहाँ पे आपने कोशिश की क्या? ट्राई किया था, मगर मुझे एक दो दिन मैंने क्लासेस की थी, मगर मुझे वैसा ये नहीं मिला कि जिस तरह से कि मैं यहाँ पर काम सीख सकता हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर मैंने आपका यूट्यूब पे जो चैनल पे देखा और बहुत सारे रिव्यू देखे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे यहाँ पर जो नहीं मिल पा रहा है मुंबई में, वो यहाँ पर जबलपुर में मिल सकता है, चेटॉम एशिया टेलीकॉम मुझे दे सकता है, तो इसलिए पहले मैंने आके एक बार डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो मुझे ये अच्छा लगा। आपको यहाँ पे कॉपी किताब पहन के लिखवाया तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर, प्रैक्टिकल है सर। सर जो बताने का इनका जो तरीका है ना सर, दिमाग में ऐसे घुस जाता है कि हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ एकदम से बैठ जाता है, बैठ जाता है, मतलब आप लोग कहीं कॉपी किताब पहन तो नहीं लाए हो ना यहाँ पर? करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, इतना अच्छा इनका जो तरीका है ना, मैं तो कहता हूँ अगर ईएमएमसी करना हो तो एशिया टेलीकॉम के सेवा कहीं और करने जैसा है ही नहीं। हम तो ये एडवाइस देंगे अगर आपको ईएमएमसी का प्रोग्रामिंग करना है या ईएमएमसी के लिए काम करना है, तो आप मिलन सर के एशिया टेलीकॉम में आके ही आपको 100% सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ये हमारा रिव्यू, इंडिया का नंबर वन ईएमएमसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल, मैं हूं देवव्रत अग्रवाल और यहां हूं मैं अपनी ईएमसी क्लास, और मेरे साथ में हैं हमारे राजेश सर और हमारे मिलन सर ईएमसी प्रोग्रामर। सो मिलन थोड़ा पास आए और बताइए आज क्या टॉपिक है? आज हमारे पास एक कार्बन के मोबाइल है जो डेड है बिल्कुल। ये कौन सा बैच है मिलन आपका? और ये मेरा 5 तारीख का बैच, 5 अप्रैल का बैच है, 5 अप्रैल का बैच। ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक कार्बन का सेट जो कि फ्लश नहीं हो रही है, और इसको हम ईएमसी रिप्रोग्राम करेंगे। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम अख्तर है सर। कहाँ से आए आप? सूरत से सर। तो अभी बताइए, अब तक 5 दिन हो चुके हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर? एक नंबर, मतलब जो सोच के आए थे वो मिला आपको यहाँ पर? उससे कई ज्यादा, मैं जो सोचा था उससे 10 गुना नहीं,
100 गुना 200 गुना बोलेंगे वो कम नहीं कम होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ईएमसी कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर मैं 2011 में ज्वाइन किया था। मतलब 2011 से आप करीबन काफी सालों से काम कर रहे हैं सर। तो आपने ईएमसी करने का क्या क्यों सोचा आपने? सर काफी सर आके हम सब काम कर लेते थे, पावर ऐसे तक सब कर लेते, लेकिन ईएमसी में आके हम अटक जाते थे, उसके आगे हम फोन सब रिटर्न कर देते थे। अभी हमारे पास सीपीयू लेवल तक काम आएगा, तो अभी 4 दिन में हमारा जो काम हुआ है ना सर, उसमें हम सीपीयू लेवल तक हम सब काम कर सकते हैं। सब काम कर सकते हैं। और अभी ईएमसी में अटकेंगे तो नहीं यहाँ पर ईएमसी जेटेक और यूएफआई के साथ प्रोग्रामिंग अब आपको आती है, आईसीए निकालना लगाना ब्लैक पेस्टेड वाले। चलिए ठीक है, तो आप ये आज अभी काम कर रहे हैं जी सर। ठीक है, तो आप बताइए मिलन। और इन्होंने अभी वीवो V11 प्रो का सॉर्टिंग निकाला है। अच्छा सॉर्टिंग निकल गया, यही हमने जो चेक किया था यहाँ पर। सेकेंडरी आईसी से निकला है कि प्राइमरी आईसी से निकला है? सेकेंडरी आईसी से निकला है यहाँ पर। लाइट आईसी कहाँ पर दिखाइए? ये जी, ठीक है। तो ये आईसी पावर आईसी भी खोली थी, इसको रिवॉल्व करके वापस डालेंगे। तो वापस डालेंगे तो ये उम्मीद है कि ये चालू हो जाए। ठीक है बिल्कुल। तो अभी जो रीडिंग आ रही है वो नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राजू। कैसा लगा आपको यहाँ पर? ये हमारा दूसरा राजू हो गया है, क्यों है आपका? काफी बढ़िया, काफी बढ़िया लगा। मिलन सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद से मतलब ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। हम सोचे ही नहीं थे कि इतना जल्दी इतना मतलब कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे और एनर्जेटिक भी हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम आप कितने कितने के घंटे की क्लास आप मिली, कब आए थे आप यहाँ पे सुबह? ऐसे सुबह तो हम आए थे 10:30 बजे। इधर टच करना, 11 बजे हमारा क्लास चालू हो जाता है। नीचे वाले तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं अपनी टाइमिंग दिखाऊं वॉच की, तो देखिए 6:30 बज रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, तो मतलब आपने यहाँ पर सुबह से क्लास में अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो अच्छा लगा एसे टेलीकॉम ज्वाइन करके। अच्छा ये बताओ एसे टेलीकॉम को क्यों चुना है ईएमसी के लिए? मतलब ऐसा है कि हम तो पहले भी ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट का वीडियो भी देख चुके थे। हाँ। लेकिन हमको एक्चुअल में जो काम जो चीज है ट्रस्ट नहीं हो रहा था। हमको एक दो जगह जाके भी आ चुके हैं। अच्छा, अपने को उसी हिसाब से लॉजिकल जो होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि पहले हम क्या करते थे, जैसे फोन आया, अब डेड है फोन, पहले हम पावर आईसी उखाड़ लिए। अब पावर आईसी उखाड़ने के बाद में जैसे लगाए, फिर फोन चालू हुआ, लोगों के ऊपर आ गया, फिर हम सॉफ्टवेयर मारे, सॉफ्टवेयर लग जाता है, आधे पे अटक जाता है। फिर उसी हिसाब से काफी सारे 2-3 ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसके अपने को कम्प्लीटली सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद में हमारे जो सर है कम्प्लीट हमको वो चीज जो है 1x1 हमको दिखाए, ताकि अपने को बहुत इजी मतलब हम काफी कम टाइम पे इजी ट्रिक अपने को मिल गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बताइए मिलन, इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने एक मोबाइल खोली जो इसका प्रॉब्लम था और लाभ की है, और इन्होंने सीपीयू और एमएमसी दोनों लगाएंगे और ऑन करके दिखाएंगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विनय कुमार। विनय आप ही बताओ कि कहाँ से आए हो? सर हम यूपी से आए। यूपी से आए हो, आपको भी यहाँ पे काफी दिन हो गए हैं, ये 5 अप्रैल का बैच ज्वाइन किया है। मैं 6 अप्रैल को आया था सर। अच्छा, 1 दिन आप लेट ही आए थे यहाँ पर। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया, मिलन सर के साथ बढ़िया रहा। अभी आपको कोई भी सीपीयू दे रिवॉल्व कर लेंगे? जी सर। और बैठक भी लेंगे? यस सर। अच्छा ये मुझे बताइए कि यहाँ पर आप आने के बारे में जो सोच रहे थे कि एसर टेलीकॉम ज्वाइन करूँ, यूपी से हो ना? जी सर। तो यूपी से दिल्ली क्यों नहीं गए आप, मुंबई क्यों नहीं गए, बैंगलोर क्यों नहीं गए? यूट्यूब पे बहुत दिन से वीडियो देख रहा था सर, लेकिन अदर जगह वीडियो बहुत देखा, आपका भी देखा, और अलग जगह से आपका वीडियो बेस्ट लगा सर, तो मैं तो इसलिए आए। अच्छा आप जो देखते थे यही सब जो आउटपुट आज आप खुद बैठ के बना रहे हो, तो क्या ये फेक होते हैं क्या? ये नहीं होते यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने MI Note 3 की MMC रीप्रोग्राम कर रहे हैं, जो यहाँ वहाँ हो रही है वहाँ। अच्छा वहाँ अच्छा अभी प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पर दिखाइए जरा। तो ये UFI के साथ में अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है, चल रहा है अभी यहाँ पर, तो थोड़ा सा बताइए क्या आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बताइए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये नोट 3 का सर, ये 32 GB का 32 GB का है। इसमें क्या फॉल्ट था इसमें? ये सॉफ्टवेयर बीच में रुक रहा था सर। अच्छा, और एरर आ रहा था, और एरर का जनरली कोई सलूशन? अच्छा अभी हम क्या करते थे, यूट्यूब में सलूशन ढूंढते रहते थे कि क्या वजह है, फाइल चेंज करके देख ली, टूल चेंज करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं होता है। तो अभी लास्ट सोल्यूशन आपको मिल गया है यहाँ पर कि हम ईएमसी को एक बार चेक करेंगे और उसको फिर बाद में जिस तरह से आपने देखा, अब आप यूएफआई का ये पूरा आपने किया है यहाँ पर यहाँ पर। अच्छा आईसी को निकालना और रिवॉल्व करना बैठाना जेटेक के साथ और यूएफआई दोनों के साथ बन जाएगा? किस तरह का रहा एक्सपीरियंस आपका, कहाँ से आए आप? सर मैं आंध्रा से हूँ। आंध्र प्रदेश से? हाँ सर। अच्छा सर मैं
डायरेक्ट वहाँ आंध्रा से दिल्ली जा सकता था हाँ। क्योंकि यहाँ आने तक से वहाँ ही मेरे को रूट अच्छा मिलता सीधा मिलता हाँ। लेकिन मैंने आपका रिव्यूज देखा है हाँ। आपका पुराना स्टूडेंट्स का जो रिव्यूज था सर वो किसी के पास नहीं आया सर रिव्यू ये बात तो है तो ये आज आप खुद दे रहे हो सो आपको वो लगता है कि यार ये जो चीज मैं देख के आ रहा था आज मैं खुद दे रहा हूँ क्योंकि आपने वो खुद प्रैक्टिकली चीज है खुद आपने देखी है की है कि यहाँ पर वो चीजें दिखाई जा रही है दी जा रही है जो आप सोच के आए थे किसी इंस्टीट्यूट के तौर पे कि आपको वो चीज मिलेगी वो चीज मिली है यहाँ पर मिली है यहाँ पर चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच कीजिए काम बताइए मिलन एक ब्लैक पेस्टेड आईसी जो अभी निकला है अभी जस्ट फोर फुल ब्लैक पेस्टेड आईसी है अभी धुआं उठ रही है यहाँ दिखाइए इनका ये एलईडी चालू कर दीजिए और ये रहा ये वाले के साथ दिखा दीजिए और इन्होंने फुल ब्लैक पेस्टेड आईसी जो भी अभी धुआं उठ रही है अभी अभी निकाले हैं और मैं दिखाना चाहूंगा आपको देखिए एक भी प्रिंट डैमेज नहीं है ये देख सकते हैं आप हाँ। जो प्रिंट दो डैमेज है वो एनसी है दो कोई काम के है नहीं हाँ। और ये रहा आईसी हमारा जो आईसी इन्होंने खोले अभी और ये रहा आईसी और इन्होंने पूरी तरीके से ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाली बहुत बढ़िया ठीक है क्या नाम है इनका क्या नाम है आपका कहाँ से आए हो आप अब ये बताइए कि ये जो आपने काम किया इससे पहले और क्या क्या किया यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो सीख रहे आए थे तो अभी 5 दिन हो गए हैं कितने लेवल पे आप अपने आपको समझते हैं अगर हम JTAG से और UFI दोनों से हम प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पर प्लस CPU और UMC आप देखिए नंबर्स में क्या उसमें यूज हो रहा है और सर जैसे सीपीयू चेंज कर सकते हैं अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले आप कितने सालों से काम कर रहे थे 9 साल से और तब आप उन दौरान 9 सालों में ये ICU को निकालने से डरते होंगे कि क्योंकि ब्लैक पेस्टेड है पैड उखड़ गई तो क्या करेंगे आपने कोशिश भी की होगी और बहुत सारे केमिकल यूज किए होंगे है ना बहुत सारे यूज किए सफल नहीं हुए सो मेन सफल टेक्निक होती है जो आपने जो आपने मिलन सर से सीखी अच्छा एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करने का क्या कारण है बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे इंडिया भर में सर मैंने जितने वीडियो देखे जो यहाँ का तरीका जो है वो मुझे बहुत पसंद आया सर यहाँ कैसे इतना करते हैं सर तो वही चीज आपको मिली यहाँ पर और यहाँ पर आपसे फीस हमने एडवांस में ली थी कि आने के हमने फीस 2 दिन बाद जमा की और सर ने कहा था राजीव सर ने कि पहले आप यहाँ ज्वाइन करो तरीका देखो काम करिए अगर आपको पसंद है फिर आप फीस दो नहीं तो और क्योंकि अगर हम आपसे एडवांस फीस ले लेते हैं और फिर बाद में कुछ सिखा नहीं पाते तो फिर तो आप फंस जाते हैं ना है तो ऐसे में आओ पुट तो फिर तो आपको ना चाहके भी करनी पड़ता सारी चीजें चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच कंटिन्यू कीजिए हाँ भाई राजस्थान से अरे क्या बात है राजस्थान से कहाँ से हो आप अच्छा आप धौलपुर जानते हो वहाँ पर धौलपुर बहुत दूर है मैं वहीं से हूँ राजस्थान से हाँ धौलपुर से अच्छा बताइए यहाँ पर क्या आपने क्या कर रहे हैं अभी आप सर अभी तो सर मैं सर पेस्टेड आईसी निकाल रहा हूँ सर यहाँ पर कौन सा सेट है ये J2 चलिए ठीक है पहले सर मैंने सर सीपीयू भी मतलब पहले कभी काम नहीं किया था सर लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सर पावर आईसी भी चेंज कर दी है अच्छा एमएमसी भी निकाल देता हूँ अच्छा लगा भी लेते हैं एक आध सेट चालू किया आईसी चेंज करने के दौरान चालू किया तीन सेट चालू किए चलिए अच्छा वो ऑलरेडी आप सीख के आ चुके हैं कहीं से सो आपने एक इंस्टीट्यूट जा चुके हो ऑलरेडी सीख के आ चुके हो आपको पता है आपका पैसा बर्बाद चला गया है सो फिर भी आपने एक एशिया टेलीकॉम को चुना तो उसका क्या रीजन था आपको ये नहीं आपको सोच रहे होंगे कि यार मेरा फिर से पैसा ना बर्बाद चले जाए तो क्या आपने क्यों चुना अब हमको सर मैंने सर रिव्यू देखा सर और सर यहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू भी देखा सर काफी अच्छा है काफी अच्छे है यहाँ के स्टूडेंट के और जो दूसरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो पढ़ रहे हैं सब क्या सर काफी अच्छा है सबसे बेस्ट है इंडिया के नंबर वन से यही है इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का नंबर वन बोलते हैं तो अब ये बताइए अगर हम बोलते हैं इंडिया का नंबर वन तो क्या गलत है हम नहीं सर है नंबर वन है चलो एक बार अपने साथ भी करेंगे अपन तो है ना क्लास के टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है ये और होना भी चाहिए है ना होना अगर अपने आपको हम अपने आपको काबिल नहीं समझेंगे तो फिर क्या अपने आपको बेवकूफ तो कोई समझता नहीं है ना मेरे भाई और काबिल आदमी ही काबिल समझता अपने आपको बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कहा आपने मिलन बताइए और इन्होंने मुंबई से आए हैं ठीक है क्या नाम है आपका मेरा नाम अयूब खान है मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया मुंबई इतनी बड़ी सिटी है
आप मुंबई के तो यार इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप तो जबलपुर आने की क्या जरूरत पड़ गई, उल्टा क्यों आ गए आप तो, लोग तो जबलपुर से भाग कर मुंबई जा रहे हैं। अगर काम अच्छा रहेगा और काम मुझे सीखने के लिए मिलेगा, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ, तो दुनिया के किसी भी कोने जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, इतना दूर आएंगे तो मुंबई में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है तो वहाँ भी सीख सकता हूँ। तो वहाँ पे आपने कोशिश की क्या? ट्राई किया था मगर मुझे एक दो दिन मैंने क्लासेस की थी मगर मुझे वैसा ये नहीं मिला कि जिस तरह से कि मैं यहाँ पर काम सीख सकता हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर मैंने आपका यूट्यूब पे जो चैनल पे देखा और बहुत सारे रिव्यूज देखे तो मुझे लगा कि नहीं मुझे यहाँ पर जो नहीं मिल पा रहा है मुंबई में वो यहाँ पर जबलपुर में मिल सकता है, चेटॉम एशिया टेलीकॉम मुझे दे सकता है, तो इसलिए पहले मैंने आके एक बार डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए तो मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे बोलते हैं कि पहले पैसे भरो उसके बाद में आओ तो शायद तुम आते क्या उसके बाद में? नहीं नहीं वो तो फिर प्रॉब्लम था, पहले ही मैं वहाँ पे दो तीन जगह ट्राई कर चुका हूँ, वही वहाँ पर भी मेरे पैसे वेस्ट हो गए, पैसे वेस्ट हो गए थे, यहाँ पर भी वेस्ट हो जाते, बिल्कुल मुझे नहीं मिलता वो चीज, तो फिर तुम्हारे और पैसे डूब जाते हैं, मेरे पैसे भी चले जाते हैं और प्लस मुझे कुछ सीखने को, बिल्कुल सही है, टाइम वेस्ट भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो पहले मैं यहाँ पर आके एक दिन डेमो क्लासेस देखा, मिलन सर है हमारे बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो उन्होंने बताया कि मतलब आपको पहले जीरो थे और अब यहाँ से जब जाओगे तो आप 100% एएमएमसी का काम सीख के जा सकते हैं। हाँ जिस काम के लिए हम आए थे तो वो काम सीख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल। तो आपने क्या क्या काम किया अब तक यहाँ पर? जैसे UFI, उसकी प्रोग्रामिंग समझिए आपने, किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल किस तरह से इसको रिवॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका। अच्छा जैसे मेरे पास अगर कोई सेट आता है, जैसे एक ओप्पो A3S आता है और वो एक ऑनलाइन सर्वर है, अपन तो समझ रहे हैं उसका अभी कोई क्रैक आया नहीं है, टूल आया नहीं है, अगर कस्टमर बोलता है कि इसका पैटर्न निकाल दो और कस्टमर हमसे बोलता है कि आप खोल सकते हो सेट को, तो क्या हम खोल सकते हैं इसको, पैटर्न निकाल सकते हैं? कौन से बॉक्स से निकाल सकते हैं? UFI से निकल सकता है पैटर्न, तो उसमें ये कर पाओगे आप यहाँ पर आसानी से? क्या बात है, बढ़िया लगा। सो बहुत अच्छा लगा आपसे, चलिए आप कंटिन्यू किए, बताइए इन्हें क्या क्या काम किया मिलन। आओ भाई मिलन, क्या नाम है आपका? रोहित पवार। रोहित पवार, कहाँ से आप रोहित? कर्नाटक से। बहुत दूर से हो यार आप, कितने दिन लग गए आपको यहाँ आने में? दो दिन लग गए होंगे आपको कर्नाटक से। क्या काम किया क्या बताइए, क्या काम कर रहे हैं आप? रिबॉलिंग कर रहे सर, EMMC IC निकाली है सर। EMMC IC निकाली है, उसको रिबॉल कर रहे हैं आप? रिबॉल कर चुके हैं कि कर रहे हो? कर रहे हो। अच्छा सो क्या है रोहित ने क्या क्या काम किया मिलन यहाँ पर बताओ? हम सर रिबॉलिंग कर रहे सर, EMMC CPU कर रहे सर, रिबॉलिंग कर रहे सर, बाद में चेटक का, बाद में UFI नहीं कोई बात नहीं, इनको दोस्तों हिंदी में बोलने में दिक्कत आ रही। अच्छा मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉपी किताब पहन के लिखवाया तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर, प्रैक्टिकल है सर। सर अच्छा, सर जो बताने का इनका जो तरीका है ना सर, दिमाग में ऐसे घुस जाता है कि हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ एकदम से बैठ जाता है, बैठ जाता है। मतलब आप लोग कहीं कॉपी किताब पहन तो नहीं लाए हो ना यहाँ पर? प्योर प्रैक्टिकल है। चलिए ठीक है, बोलते हैं उससे ज्यादा करवा के देते हैं, और जो बोलते हैं वही थ्योरी है तरह से जो, और वही दिमाग में हमारे कॉपी दिमाग बन गया हमारा, अपने आप ऑलरेडी राइट होता रहता है। रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, इतना अच्छा इनका जो तरीका है ना, मैं तो कहता हूँ अगर EMMC करना हो तो एशिया टेलीकॉम के सेवा कहीं और करने जैसा है ही नहीं। हम तो ये एडवाइस देंगे अगर आपको EMMC का प्रोग्रामिंग करना है या EMMC के लिए काम करना है तो आप मिलन सर के एशिया टेलीकॉम में आके ही आपको 100% सर्टिफिकेशन मिल सकता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आप कितने साल से काम कर रहे हो? तीन साल से काम कर रहे हो। मोबाइल की इंडस्ट्री में क्यों गए? मतलब और कहीं पे भी जा सकते थे, मोबाइल की इंडस्ट्री में क्यों गए? मतलब मैं तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल जानना चाहता हूँ। सर मुझे इंटरेस्ट था सर पहले से मोबाइल रिपेयरिंग का। अच्छा उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग में गया। मोबाइल रिपेयरिंग में गए, तो 3 साल से आप वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे, और किस काम में फंस रहे थे? सर ये EMMC सर, और IC निकालना लगाना रिबॉल करना, मतलब आप बेसिकली चिप लेवल पे काम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपको कैसा कॉन्फिडेंस अभी और अब पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिबॉल करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? दिल से कह रहे हो? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगाया और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का।
हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्टूडेंट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Among 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.